नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, गुजरात दंगों के बाद ये पहला मौका है जब किसी दंगे को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी चर्चा हो रही है, इतने विवाद हो रहे हैं, इतनी जांच हो रही हैं और इतना टीका टिप्पणियाँ आ रही हैं। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई देश भी इस पर टूट पड़े हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली दंगों के मामले में भी इंसाफ नहीं हो रहा है, पक्षपात बढ़ता जा रहा है और सत्ता का संरक्षण दंगाइयों को भी मिल रहा है और सत्ता के संरक्षण में पुलिस भी काम कर रही है, यानी न्याय नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर पर चूँकि फिर एक बार गुजरात दंगों की तरह ही मुसलमान यानी अल्पसंख्यक समुदाय टारगेट पर है, निशाने पर है, उसको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उनको जेलों में घसीटा जा रहा है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, तो एक पूरा माहौल बन गया है जो गुजरात दंगों के समय और उसके बाद देखने को मिला था। हालांकि राजनीतिक स्तर पर प्रतिक्रियाएँ वैसी नहीं हो रही जैसी उस समय होती थी, शायद इस वजह से कि उस समय एक प्रदेश में बीजेपी थी, बीजेपी तो पूरे देश में थी लेकिन एक प्रदेश में उसकी सरकार के तहत ये हो रहा था और केंद्र में भी उसकी सरकार थी, इसलिए काफ़ी हद तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रहा था। इसके बावजूद उस समय कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और राष्ट्रीय स्तर पर वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न नहीं थी और इतना आतंक और डर का माहौल नहीं था, दहशत का माहौल नहीं था, सरकार प्रायोजित आतंक का, कि लोग आवाज़ ही ना उठा पाएँ। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि कई देशों की टिप्पणियां आ चुकी हैं और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि दुनिया भर में अपने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए, उसकी लड़ाई के लिए, रिपोर्ट के लिए जाना जाता है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी वही कुछ कहा गया है जो अभी तक और दूसरी रिपोर्टें भी कहती रही हैं। यानी साफ साफ तौर पर उसने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है, उसने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है, माननीय अमित शाह के अधीन है और जाहिर है कि वहाँ से उसको संरक्षण मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहे हैं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के अविनाश कुमार भी कह रहे हैं। तो एक पूरा सत्ता प्रायोजित, सत्ता संरक्षित एक अभियान के तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाने लगा है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम इस रिपोर्ट पर अभी आगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के मामले में पक्षपात बरतता है या खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये स्थापित कर रही है कि दिल्ली दंगों में जो भी पुलिस की भूमिका है और जो केंद्र सरकार की भूमिका है वो निष्पक्ष नहीं है, वो ईमानदार नहीं है और उसमें न्याय की हत्या की जा रही है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो 50 दंगा पीड़ितों, चश्मदीदों, वकीलों, डॉक्टरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और रिटायर हो चुके पुलिस अफसरों से बातचीत करके और जो बहुत सारे वीडियो दंगे के दौरान और उसके बाद बनाए गए हैं, उन सब का अध्ययन करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आप देख लीजिए कि दंगों के तकरीबन 6 महीने बाद ये रिपोर्ट आ रही है, तो जाहिर है कि बहुत तफसील से इस पूरे घटनाक्रम को उसने देखा है, परखा है और फिर ये रिपोर्ट जारी की है। और वैसे भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की ख्याति है कि वो सतही तौर की रिपोर्ट नहीं देती है, वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करती है, तथ्य जुटाती है, तर्क जुटाती है और उसके बाद रिपोर्ट जारी करती है। तो ये एमनेस्टी की जो रिपोर्ट है वो तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट है, यानी सच्चाई के करीब है। और सच्चाई वो क्या बता रहा है, सच्चाई एमनेस्टी का कहना है कि
दिल्ली दंगों में पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया। पुलिस की भूमिका दंगों के दौरान निष्पक्ष नहीं थी, वो बिल्कुल साफ तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके खिलाफ जो दंगा कर रहे थे उनके साथ थे, उनको पत्थर वगैरह मुहैया करा रहे थे और जो बहुत सारी घटनाओं का उसने ब्यौरा इकट्ठा किया उनमें एक दो घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें पुलिस वालों ने सीधे तौर पर दंगों में हिस्सेदारी की और मुसलमानों को मारा, यहाँ तक कि हत्याएं तक की, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। दूसरी बात ये निकल कर आई कि जो जब मुसलमानों ने कहीं दंगों में फंस गए और उन्होंने पुलिस से सहायता मांगनी चाही, फ़ोन किया 100 नंबर पर, तो वहाँ से जवाब मिला आज़ादी चाहते थे ना, ले लो आज़ादी। तो ये साफ दिख रहा है कि पुलिस पूरी तरह से एक पक्ष के साथ खड़ी थी, वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं थी, जो कि उसकी जिम्मेदारी है कि बगैर वो धर्म जात पात देखे इस तरह से काम उसको करना चाहिए था। इससे भी आगे बढ़कर आप देखें कि मुसलमान जो दंगों में घायल हुए उनके इलाज करने के लिए जब उनको ले जाना था तो उसमें भी पुलिस ने रोक टोक की, परेशान किया, उनको इलाज के लिए नहीं जाने दिया गया और जिन अस्पतालों ने इलाज करना चाहा या किया उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कर लिए गए। तो बहुत बुरी तरह से एक दुराग्रह आप पुलिस की भूमिका में देख सकते हैं, एक पूरा षड्यंत्रपूर्णकारी ढंग से दंगों के दौरान और उसके बाद पुलिस ने काम किया और उसके बाद जो पुलिस ने लगातार जाँच के नाम पर किया है वो भी इस रिपोर्ट के तहत आया है। दंगों के बाद दंगा पीड़ितों और आंदोलनकारियों को डराया धमका गया है, ये इस रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्ता से मिले संरक्षण की वजह से पुलिस ने मानवाधिकारों का कोई भी पालन नहीं किया, उसकी परवाह ही नहीं की, ज़बरदस्त उल्लंघन किया, मनमाने ढंग से केस दर्ज किए गए उन लोगों के खिलाफ जो दंगों में शामिल थे उनके खिलाफ नहीं, बल्कि जो दंगों के शिकार हो रहे थे उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। आंदोलनकारियों को डराया धमकाया गया, ये आंदोलनकारी वो हैं जो CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको डराया धमकाया गया और उनको दंगों के साथ जोड़कर उनके खिलाफ मामला बनाया गया। जिन्होंने दंगे भड़काने में भूमिका निभाई थी, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे उनके खिलाफ कोई केस आज तक दर्ज नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपियों के साथ जेल में मारपीट हुई और उन्हीं के साथ मारपीट हुई और उन्हीं के खिलाफ फिर केस भी दर्ज कर लिए गए। अब देखिए कि जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग है उसने भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जिसने इसी तरह से लोगों के बीच जाकर दंगा पीड़ितों से बातचीत करके, विभिन्न पक्षों से बातचीत करके, मुआयना करके पूरे इलाके का एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी और उसमें भी यही था। आपको पता है कि कुल 53 लोग मारे गए थे दंगों में, जिसमें से 40 अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के थे, यानी 75% से ज़्यादा मरने वाले मुस्लिम समुदाय के थे। अब आप देखें कि इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था उसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समुदाय की प्रॉपर्टी का ही हुआ था, उन्हीं के जो धर्म स्थल थे उनको नुकसान पहुंचाया था, जबकि एक भी हिंदुओं का मंदिर उस दंगे में प्रभावित नहीं हुआ था। तो ये एक तरफा दंगे थे, वन साइडेड थे और एक पक्ष को पूरा पुलिस का समर्थन सहयोग मिल रहा था, दूसरे पक्ष के खिलाफ मिल रहा था, पुलिस सक्रिय थी। दंगों के बाद भी उसने उसी रवैये के तहत जो दंगा पीड़ित हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको फंसाया और जो CA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी इस दंगे से जोड़कर, उनको भी इसका साजिशकर्ता बताकर इससे जोड़ दिया गया। तो ये पूरी रिपोर्ट इस तरह से खुलासा करती है और ये रिपोर्ट केवल दंगों से शुरू नहीं होती, उसकी एक पृष्ठभूमि भी बताती है और वो बताती कि कैसे CAA और NRC के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे उसमें पुलिस की क्या भूमिका थी। उसमें आप देखिए कि 15 दिसंबर को जो जामिया पर दिल्ली पुलिस का हमला हुआ था उसका भी उल्लेख है कि किस तरह से वहाँ छात्रों के साथ मारपीट की पुलिस ने बेरहमी से और जो छात्राएं थी उनके साथ उनका यौन उत्पीड़न किया, उसका जिक्र है रिपोर्ट में। फिर
5 जनवरी को जो JNU में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे रॉड वगैरह लेकर गए थे और जिस तरह से उन्होंने वहाँ हिंसा की थी उसका भी जिक्र है। और ये भी जिक्र है कि जो JNU की हिंसा है और हिंसा करने वाले हैं उनके खिलाफ आज तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है, बल्कि जिन पर हमले हुए, जो उस हमले में घायल हुए उनके खिलाफ़ FIR तुरंत दर्ज कर ली गई। इसी तरह से जामिया के लिए, जो जामिया में हिंसा हुई, एक मांग की गई कोर्ट में कि उसके लिए SIT गठित किया जाए, तो उस मांग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि न केवल दंगे बल्कि जो उसकी जांच है वो भी एक तरफा जा रही है और जो न्याय प्रक्रिया है उसको भी किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पूरा आप देखें तो गुजरात मॉडल आपको इसमें नज़र आएगा। जिस तरह से गुजरात दंगों को हैंडल किया गया, ठीक उसी तरह से दिल्ली दंगों पर भी काम किया गया। तो ये स्पष्ट रूप से एक पूरे दिल्ली दंगों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है। ये बहुत ही देश के लिए बहुत ही डैमेजिंग है, इस सेंस में कि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो भारत की रही है, जो अल्पसंख्यकों के प्रति उसके व्यवहार की रही है, जो न्याय प्रक्रिया की रही है, जो पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका को लेकर रही है, हालांकि वो उस पर भी प्रश्न उठते रहे हैं लेकिन अब और भी ज़्यादा इसकी वजह से वो प्रकाश में आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूम रही हैं। आपको हम बता ही दें कि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी टिप्पणी आई थी। OIC जो इस्लामिक देशों का संगठन है उसने टिप्पणी की थी। यूरोपियन यूनियन ने दिल्ली दंगों में जो कुछ हुआ और जिस तरह से सरकार और पुलिस काम कर रही है उस पर टिप्पणी आई है। अमेरिका का जो रिलीजियस आयोग है, धार्मिक मामलों का आयोग, उसने इसी तरह से दिल्ली दंगों के बारे में टिप्पणी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक टिप्पणियां आई हैं, कमेंट आए हैं, चिंता प्रकट की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों, कलाकारों और संस्कृति कर्मियों ने संगठित होकर आवाज़ उठाई है कि जिस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, जांच के नाम पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उन पर आतंकवाद विरोधी कानून लगाए जा रहे हैं, उन पर राजद्रोह के मुकदमे किए जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पूरी तरह से फैल चुकी हैं और ये एक तरह से बता रही हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से माहौल बदल गया है, किस तरह से एक बहुसंख्यक वाद हिंसा पर उतारू है और बहुत ही एग्रेसिव होकर आक्रामकता के साथ अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है उनका, उन पर अत्याचार कर रहा है, उनको अलग थलग कर रहा है, उनको न्याय और जो उसके उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की बहुत ही धूमिल होगी इससे। और जाहिर है कि चूँकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपनी एक साख है इसलिए उसकी अपनी रिपोर्ट का बहुत महत्व है और ये रिपोर्ट अब जगह जगह कोट की जाएगी। हर देश और ख़ासतौर से जो भारत के विरोधी देश हैं वो बहुत इसका इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, टर्की और भी कई देश हैं वो इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे, गुरेज नहीं करेंगे। तो दिल्ली दंगों के बारे में हमारी सरकार को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह को, हमारी पुलिस व्यवस्था को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आखिरकार वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या सत्ता के लिए इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह से दंगों को आयोजित प्रायोजित करना, उसकी जांच को इस तरह से प्रभावित करना और फिर अल्पसंख्यकों को एक किनारे धकेल देना, क्या ये संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? और इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा? देश में आंतरिक विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है वो धूमिल होने का। तो ये सरकार को अब नए सिरे से सोचना चाहिए एमनेस्टी की रिपोर्ट आने के बाद। हालांकि इसकी संभावना कम है कि क्योंकि सरकार की सारी खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद हैं, उनकी अपनी जो एजेंडा है, जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसे हिंदू दिखते हैं, बाकी कौम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये तमाम तरह की घटनाएं इस तरफ सोचने के लिए हमें विवश कर रही हैं। ये गलत साबित करे सरकार, ये सबकी इच्छा है, लेकिन क्या ऐसा होगा?
तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए ज्वलंत विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।